हेलो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं संजीव कुमार और आपका स्वागत है ब्राइट फ्यूचर एकेडमी पे। हम जो है वो पिछली वीडियो में व्यष्टि अर्थशास्त्र के चैप्टर नंबर 6 उत्पादन फलन और प्रतिफल के कारक को जो है वो समझ रहे थे। ये इस वीडियो उस चैप्टर की सेकंड वीडियो है। इसमें हम जो है वो प्रतिफल के कारक के प्रतिफल के नियम को जो है वो समझेंगे कि नियम जो है वो क्या होते हैं। तो कारक के प्रतिफल के दो नियम होते हैं। एक नियम हम इस वीडियो में कवर करेंगे और अगला नियम जो है वो हम सेकंड वीडियो में कवर करेंगे। तो पहला है परिवर्ती अनुपात के नियम, यानी कि परिवर्ती अनुपात जो है उसके कारक के नियम कैसे जो है वो होते हैं। तो परिवर्ती अनुपात हो गया। और दूसरा है पैमाने के प्रतिफल के नियम, पैमाने के प्रतिफल के नियम। तो ये दोनों हम जो है वो हमारे कारक के प्रतिफल के नियम जो है वो होते हैं। अब आप लोग जो है वो सोच रहे होंगे कि ये प्रतिफल क्या होता है। प्रतिफल का मतलब है आगत और निर्गत के बीच का अंतर, या उनसे जो हमारे पास तैयार माल आता है। यानी कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में एग्जांपल लिया था कि मैं इस मार्कर को बनाऊंगा और इस मार्कर को बनाने के लिए लेबर को लूंगा, कच्चे माल को लूंगा, मशीन को लूंगा, पूंजी को लूंगा। इन सब के बाद मुझे मेरे पास जो आउटपुट निकल के आता है या फिर ये मार्कर मेरे पास जो बनकर आता है उसी को हम जो है वो प्रतिफल कहते हैं, या इन आगतों को हमने किस प्रकार से जो है वो उपयोग किया उस नियम को हम प्रतिफल या कारक के प्रतिफल के नियम कहते हैं। तो उस नियम में दो प्रकार के नियम होते हैं, परिवर्ती अनुपात के नियम और पैमाने के प्रतिफल के नियम। यानी कि परिवर्ती अनुपात से नाम से ही जाहिर हो रहा है कि इसमें हम जो है वो परिवर्ती साधनों की इकाइयों को बढ़ाएंगे, यानी जो परिवर्ती कारक होते हैं सिर्फ उनकी इकाइयों को बढ़ा सकते हैं और हम यहाँ पर जो है वो स्थिर कारकों को नहीं बढ़ा सकते। लेकिन जो हमारे पास पैमाने के प्रतिफल के नियम है उनमें हम जो है वो स्थिर कारक और परिवर्ती कारक दोनों को जो है वो समान अनुपात, यानी कि यहाँ पर इन्होंने पैमाना कहा है। पैमाने का मतलब होता है एक नाप तौल के अनुसार, यानी कि समान अनुपात में जो है, समान पैमाने में जो है वो दोनों साधनों को, दोनों कारकों को जो है वो बढ़ा सकते हैं। लेकिन हम जो है वो परिवर्ती अनुपात में दोनों कारकों को नहीं बढ़ा सकते। क्यों? क्योंकि ये जो है वो अल्पकाल में लागू होता है और अल्पकाल में जो है वो हम सिर्फ परिवर्ती अनुपात या परिवर्ती कारकों को ही जो है वो बढ़ा सकते हैं। और अगर यहाँ पर हमें स्थिर कारकों को बढ़ाना है तो हमें उसके लिए दीर्घकाल की जो है वो आवश्यकता पड़ेगी। तो हम कह सकते हैं कि परिवर्ती अनुपात के नियम अल्पकाल और पैमाने के प्रतिफल के नियम दीर्घकाल में लागू होने वाले नियम जो है वो हैं। तो आइए सबसे अब हम जो है वो स्टार्ट करते हैं परिवर्ती अनुपात के नियम को समझना। ये जो है वो हम एक चित्र, एक तालिका और उसकी डेफिनेशन और उसकी कुछ अवस्थाएं हैं उनके अनुसार। आइए दोस्तों अब हम जो है वो परिवर्ती अनुपात के नियम को समझते हैं चित्र और तालिका की सहायता से। तो परिवर्ती अनुपात का नियम ये कहता है कि जैसे जैसे हम किसी साधन की एक अतिरिक्त इकाई को बढ़ाते हुए जाते हैं तो कुल उत्पाद में जो है वो शुरुआत में बढ़ती दर से बढ़ता है, यानी कि कुल उत्पाद शुरुआत में बढ़ता है, वो भी ज्यादा तेजी से बढ़ता है। फिर उसके बाद कुल उत्पाद जो है वो कम तेजी से बढ़ता है और एक स्टेज ऐसा आने पर कि कुल उत्पाद जो है वो घटने लग जाता है, वो स्टेज जो है वो हर्षमान सीमांत उत्पाद की जो है वो होती है। इसका मतलब है कि हम कितनी भी ज्यादा इकाइयों को लगा लें, कारकों को लगा लें, लेकिन हमारा उत्पादन जो है वो बिल्कुल भी नहीं बढ़ेगा। तो ऐसी अवस्थाओं को जो है वो हम परिवर्ती अनुपात के नियम जो है वो कहते हैं। इसकी तीन स्टेजेस में इसको जो है वो डिवाइड किया गया है। पहली स्टेज है कि टीपीपी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। तो इसको हम इस तालिका के अनुसार जो है वो समझेंगे। तो इस तालिका में आप देख सकते हैं भूमि की इकाइयां, भूमि जो है वो एक स्थिर साधन है उसको लिया गया है। फिर इसके बाद श्रम की इकाइयों को लिया गया है और उससे टीपी और एमपी जो है वो लिया गया है। तो हम स्टार्ट करते हैं भूमि की इकाइयां जो है वो स्थिर रहेगी हर किसी इकाई पे। क्यों? क्योंकि ये अल्पकाल में लागू होने वाला नियम है और अल्पकाल में हम स्थिर साधनों को या स्थिर कारकों को नहीं बढ़ा सकते। और श्रमिकों की इकाइयां यानी कि परिवर्ती साधन की इकाइयां जो है उसे हमने जो है वो बढ़ाया है, यानी कि एक एक इकाई को जो है अतिरिक्त इकाई को बढ़ाते हुए चले गए हैं, जिसकी वजह से हमें टीपी जो है वो इस तरीके से प्राप्त हुआ है और एमपी जो है हमने टीपी के द्वारा कैलकुलेट किया है। तो अगर हम देखें शुरुआत में जब हमारी इकाई एक है तो टीपी दो है, दो पर पांच है और तीन पर नौ है, यानी कि टीपी तो लगातार बढ़ रहा है। इसके बीच का अंतर देखें, यानी कि इसकी जो दर देखें, दर का मतलब होता है इसके बीच का अंतर। तो इसकी बीच का अंतर तीन है, फिर बीच का अंतर चार है, फिर बीच का अंतर जो है तीन हो गया।
यानी कि यहाँ से लेके यहाँ तक वाली जो स्टेज है वो कहाँ तक लागू होगी, 3 यूनिट तक लागू होगी, क्योंकि 3 यूनिट तक टीपी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ रहा है, यानी कि उसके बीच का जो अंतर है वो लगातार बढ़ते हुए जा रहा है, फिर उसके बाद उसके बीच का अंतर जो है वो घट रहा है। तो पहली अवस्था यानी कि टीपीपी बढ़ती दर से बढ़ता है तो वो हमें तीसरी इकाई पर जो है वो मिल जाती है, जहां पर टीपी जो है वो 9 तक पहुंचता है और उसकी दर जो है वो 4 तक पहुंचती है, यानी कि हम कह सकते हैं यहाँ पर टीपीपी जो है वो बढ़ती दर से बढ़ता है। आगे देखें अगली इकाई पर, चौथी पर तो 12 हुआ है, टीपी अभी भी बढ़ रहा है, लेकिन उसके बीच का जो अंतर है वो 3, 2 और 1, यानी कि बीच का जो अंतर है, जो दर है वो कम होने लगी है, इसलिए हम कह सकते हैं दूसरे स्टेज में टीपीपी दर जो है टीपीपी घटती दर से बढ़ता है, यानी कि जो दर है वो घट रही है लेकिन टीपीपी बढ़ जरूर रहा है, भले कम से बढ़े लेकिन बढ़ जरूर रहा है। तो टीपीपी बढ़ती दर से जो है वो बढ़ो घटती दर से जो है बढ़ रहा है, जिसके वजह से एमपीपी क्या हो रहा है, कम हो रहा है, जो कि हमारी सेकंड स्टेज इस वाले बिंदु से इस वाले बिंदु तक जाती है। आप देख सकते हैं इसका ढलान जो है वो तीव्र ढलान है और इसका ढलान जो है वो कम है, यानी कि इसके बीच का अंतर या जो इसके बढ़ने की रेट है वो कम रेट है और ये रेट जो है वो ज्यादा है, इसलिए ज्यादा ऊपर जल्दी तेजी से जो है वो चला गया है। अगर इन दोनों का एमपी पे इफेक्ट देखें तो इफेक्ट क्या पड़ता है, जब टीपीपी बढ़ती दर से बढ़ा तो एमपी भी बढ़ा, जिसके कारण एमपी वक्र नीचे से ऊपर की ओर गया। आगे देखें तो टीपीपी घटती दर से बढ़ता है, जब टीपीपी घटती दर से बढ़ा तो टीपी और एमपी जो है वो क्या हुआ, घटा, यानी कि एमपी में गिरावट आई, जो 3, 2 और 1 को जो है वो हम देख सकते हैं। इसके बाद टीपीपी जब अधिकतम हो गया, यानी कि अधिकतम का मतलब है टीपी इससे ज्यादा हमारा उत्पादन जो है वो बढ़ नहीं सकता, यानी कि अधिक से अधिक उत्पादन हमारा कितना हो गया है, 15 जो है वो हो गया है, तो उस स्टेज में हम देख सकते हैं एमपी कितना है, 0 है, जो कि यहाँ पर है, यानी कि यहाँ पर उत्पादन 15 है और इस बिंदु पर भी उत्पादन जो है वो 15 है, जिसके कारण ये जो है वो एमपी यहाँ पर कितना निकल के आएगा, 0 निकल के आएगा, क्यों, क्योंकि इसके बीच का अंतर कुछ नहीं होगा, 0 होगा। अगली स्टेज, थर्ड स्टेज, टीपीपी घटता है, यानी कि टीपीपी बढ़ने की जगह घटने लग गया, यानी कि अगर हमारे हमारे उत्पादन में जो है या हमारी फैक्ट्री में उत्पादन बढ़ रहा है तो सही है, लेकिन अगर उत्पादन घटने लग जाए, उत्पादन घटता क्यों है, क्योंकि जो हमारे साधन है वो सारे के सारे साधन बेकार हो चुके हैं, थक चुके हैं, उनमें जो है वो कमी आ चुकी है, वो इससे ज्यादा प्रोडक्शन नहीं कर सकते, जिसके कारण जो है टीपीपी घट गया और टीपीपी घटने के कारण एमपी जो है वो ऋणात्मक में चला गया, क्योंकि 14 में से अगर हम 15 को माइनस करें तो -1 जो है वो आता है, जिसके कारण हम इस बिंदु पर थर्ड स्टेज पे देख सकते हैं कि टीपीपी जैसे ही घटा एमपी जो है वो ऋणात्मक यानी कि लाइन से नीचे, एक्स एक्सिस से नीचे जो है वो चला गया। ये जो है टीपीपी इस तरीके से परिवर्तित होता है 3 अवस्थाओं में, यही परिवर्ती अनुपात का नियम कहलाता है। अगर ये क्वेश्चन जो है 6 नंबर में आए, यानी कि ये क्वेश्चन वैसे 6 नंबर में ही आता है ज्यादातर, तो आपको ये 3 अवस्थाएं इनको डिस्क्राइब करके लिखना पड़ेगा, ऐसे लिखना पड़ेगा कि टीपीपी जब बढ़ती दर से बढ़ता है तो एमपीपी बढ़ता है, इस तरीके से सिंपल लिख दो, और इसके बाद जब टीपीपी घटती दर से बढ़ता है तो एमपी घटता है, और जब टीपीपी जो है वो घटता है तो एमपी ऋणात्मक हो जाता है, इस तरीके से लिखना है। फिर इसके बाद ये टेबल बनानी है, ये डायग्राम बनाना है, टेबल को भी समझा देना है कि कौन सी इकाई तक ये जो है टीपीपी बढ़ रहा है, कौन सी इकाई तक घटती दर से बढ़ रहा है और कौन सी इकाई पे घटने लग गया, और एमपी कब बढ़ रहा है, कब घट रहा है और कब ऋणात्मक जो है वो हो रहा है। इसी प्रकार से इन 3 स्टेजेस को जो है वो समझा देना है इस तालिका की सहायता से, इस चित्र के अंदर जो है नीचे डिस्क्रिप्शन में लिखना है, तभी आपको जो है वो 6 नंबर जो है वो मिल जाएंगे। लेकिन अगर ये क्वेश्चन 4 नंबर में आता है तो आप इसकी अवस्थाएं इस तरीके से और टेबल और चित्र इसी प्रकार से जो है बना सकते हैं, इसमें भी आपको जो है वो नंबर मिल जाएंगे। और आपको अगर जो है वो इसका आंसर पूरा चाहिए हो तो आप जो है लिंक डिस्क्रिप्शन में दी हुई लिंक पर क्लिक कर सकते हैं और वहां पर इसके जो है वो नोट्स को डाउनलोड कर सकते हैं। इस ये वीडियो जो है वो अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।